बायने की थाली जानवी की जुबान पर बचपन से ही हजार सवाल और मन में हर चीज जानने की उत्सुकता रहती है जिस वजह से वो अपने भाई की शादी में चल रही रस्मों के बीच भी मम्मी से सवाल पूछने लगती है मम्मी mmm, जब लड़की वालों ने आपको अपनी इतनी बड़ी लड़की दे दी तो फिर भी उनसे सामान लेना गलत नहीं है क्या इस पर कोई भी जानवी की बात का जवाब नहीं दे पाता और उसे इग्नोर करते हुए रस्में निभाते रहते हैं शादी संपन्न होती है और भाभी घर आ जाती है जिसके बाद जानवी के सवालों का हमेशा सारे बलिदान वाले काम लड़कियां ही क्यों करें? मतलब अपना घर परिवार दोस्त पुरानी जिंदगी कुछ छोड़ लड़कियां ससुराल आए फिर वहां सबका दिल जीतने की कसरत भी वही करें। और लड़कों का क्या बस तैयार हुए दूल्हे बने और दोबारा अपने घर आकर बैठ गए <laughs> दीदी मैं ससुराल में हूं। जवाब हो जाएगा, इसलिए आप अपने ये दुनिया हिलाने वाले सनसनी सवाल अपने पति से करना क्या पता वो जवाब दे पाए भाभी की बात पर हंसते हुए जानवी वहां से चली जाती है कुछ दिनों बाद उसकी शादी कबीर से हो जाती है अब ससुराल में कुछ दिन तो जानवी किसी से कोई सवाल पूछे बिना रह लेती है पर फिर एक शाम दरवाजे पर खड़ी सास को बुजुर्ग भिखारी पर चिल्लाते हुए देख लेती है अरे मुझे पता है तुम सबके पास खूब पैसा होता है पर फिर भी हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करना होता है और फिर जब कोई पैसे ना दे तो तुम उसका खून भी कर देते हो क्रिमिनल होते हो तुम सबके सब अब जाते हो यहाँ से या पुलिस को बुलाऊ ये सब देख अब जान भी खुद को रोक नहीं पाती मम्मी वो आपसे भीख नहीं खाने की मदद मांग रहे हैं और आप उन पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकती आखिर ये भी तो एक इंसान है और वो भी आप और मुझसे उम्र में बहुत बड़े बाकी किसी चीज का नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लीजिए बहू का ऐसा रूप देख सास को तो जैसे शौक ही लग जाता है जानवी भिखारी को खाना देकर वहां से भेज देती है लेकिन इसके बाद से ही सास का उसके प्रति रवैया बदल जाता है मुझे तो लगा था बहुत शांत बहू लेकर आई हूँ पर यह तो पूरी ज्वालामुखी निकली अरे इतने दिनों से ये रंग क्या एक भिखारी के सामने अपनी सास की इज्जत उतारने के लिए छुपा कर रखे थे और कौन से रंग बदलना सिखाकर भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे मम्मी जी रंग का तो पता नहीं लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर ढंग में गलत के खिलाफ खड़े होना जरूर सिखाकर भेजा है बहू का जवाब सुन सास गुस्से में वहां से चली जाती है जिस पर पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा कबीर जानवी के पास आता है जानवी, मैं मानता हूं तुमने जो किया अच्छे के लिए किया पर मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अब उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है पर मैं कैसे मुझे तो कुछ भी पता नहीं है तो उसके लिए मैं हूं ना कुछ दिनों में ही सकट का त्योहार आ रहा है तुम बस बायने पर मम्मी को देने के लिए एक सुंदर साड़ी ले आना तुम्हारा काम बन जाएगा ये कहकर कबीर वहां से चला जाता है लेकिन व्रत और त्योहारों से अनजान जानवी कन्फ्यूजन में वहीं खड़ी रह जाती है जिस पर वो भाभी को फोन लगाकर सारे व्रत और उनके महत्व समझती है और उन्हें जानने के बाद वो बायनी की साड़ी तो खरीद लाती है लेकिन इसी के साथ उसके मन में अब नए सवाल पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सकट के व्रत का दिन भी आ जाता है हे भगवान, एक तो सुबह से भूखी ऊपर से ये सवालों के बुलबुले पेट में उठकर और तहलका मचा रहे हैं। ओ, क्यों क्या करूं? किससे पूछूं? जानवी अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है कि सास और कबीर उसके सामने आ जाते हैं बाई ने और पूजा की सब तैयारी कर ली हाँ जी वो तो कर ली पर क्या पर फिर कोई सवाल है पूछ लो। कहीं पेट में उसे रखे रखे एसिडिटी ना हो जाए <laughs> ज्यादा कुछ नहीं बस पूछना था कि जब ये व्रत बच्चों और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए होता है फिर इसमें व्रत सिर्फ हम लेडीज ही क्यों रखती हैं हिस्सेदारी तो दोनों की होती है ना जानवी की बात सुन इस बार तो सास भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये तो मुझे नहीं पता और ना हमने कभी किसी से पूछा बस जो बड़े बुजुर्ग रिवाज बना गए वही चल रहे हैं। इसकी भी कोई वजह जरूर होगी अच्छा और ये बाईने की वजह अब बाईने से तुम्हें क्या दिक्कत है नहीं नहीं दिक्कत कोई नहीं है बस सोचती हूँ कि अगर व्रत बच्चों या पति के लिए होता है तो हमेशा हर चीज का गिफ्ट सिर्फ सास को ही क्यों मिलता है अरे पति के नाम पर व्रत है तो उन्हें और बच्चों के नाम पर जो व्रत है उनमें बच्चों को क्यों गिफ्ट नहीं दी जाती जानवी का सवाल सुन इस बार सास भड़कने के बजाय शांति से उसका जवाब देती है वैसे ये सवाल एक बार मैंने भी अपनी सासू माँ से किया था तो जवाब मिला कि सास की वजह से ही पति मिला है इसलिए एक थैंक यू और इज्जत की तरह उन्हें ये बाय दिया जाता है और बच्चों वाला तो मुझे भी नहीं पता बाकी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि सासू ये सिर्फ मेरे सवालों को शांत करने के लिए बोला था या ये सच भी है। के जवाब और जानवी के सवाल से अब वो दोनों ही कंफ्यूजन में हैं कि आखिर सच और वजह क्या है अगर आप लोगों के पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट करके सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा